प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा था। उम्मीद है कि अभी भी दो लोग बचे हैं मुझे लेकर, अच्छा ही चलेगा। तमहीद की कोई जरूरत नहीं समझता मैं। गजल का शायर हूँ, गजल पहुंचाता हूँ आपके बीच। मेरे कुछ भाई आपस में गुफ्तगु कर रहे हैं, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो मैं उनसे मदवाना गुजारिश करूंगा, बराए करम जरा सा गजल का माहौल बना दे ताकि मैं कुछ शेर आप तक पहुंचा सकूं। बड़ी मोहतरम भाजपा लीडर जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र भाई बैठे हैं सामने, एक तरफ मेरे दोस्त हसीब अलजामई साहब मौजूद हैं, मेरे दोस्त भिमंडी से। डाइस में जितने भी मेरे दोस्त शोर हजरात बैठे हैं सबको शरीक करता हूं। बात बोलता चलूं, कुछ लोग हैं कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है, कुछ लोग हैं कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान खतरे में है। अगर हिंदुस्तान खतरे में होता, अगर मुसलमान खतरे में होता, अगर हिंदू खतरे में होता, तो एक तरफ अब्दुल हसीब आल जामई नहीं बैठे होते, एक तरफ सत्येंद्र जी ने बैठे होते। क्या बात है। एक तरफ अयूब वफा साहब मौजूद हैं डाइस पे, तो एक तरफ पंडित प्रखर जी मौजूद नहीं होते। इसी को हिंदुस्तान कहते हैं, इसी को मोहब्बत कहते हैं, इसी को जमहूरियत कहते हैं, इसी को एकता कहते हैं। एक तरफ हमारी भाभी बैठी हुई हैं, एक तरफ नकाब में मेरी बहन बैठी हुई थी, शायद वो जा चुकी है। अगर ये खतरे में होते तो शायद हम लोग यहाँ इकट्ठा नहीं होते। ये सिर्फ लोगों का वहम है, ये सिर्फ लोगों का वहम है और कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जो हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं। अगर ये मुत्तहिद हो जाएं तो ये भारत आज भी जैसे अंग्रेजों की कलम से लिखा गया वो तारीख है। कौन सी तारीख? भारत सोने की चिड़िया है, फिर से कहलाएगा। आप एक दफा तालियां बजाएं, मैं चार मिसरे पहुंचाता हूं बड़ा ही खूबसूरत सा तिरंगे की शान में बतौर खास। जी जी जी, स्वागत। कीर्तिवर्धन सिंह बैठे हुए यहां पे, पहुंचाता हूं। मेरे जितने भी लीडरान मौजूद हैं, मैं सबके नाम से वाकिफ तो नहीं हूं, लेकिन जितने भी हैं सब मेरे अपने मेरे मोहतरम हैं। मैं सबकी शान में एक मतला पहुंचाता हूं लादा। मैं क्यों करते हो, क्यों करते हो, क्यों करते हो देश को गंदा रहने दो, क्यों करते हो देश को गंदा रहने दो, क्यों करते हो, क्यों करते हो, क्यों करते हो देश को गंदा रहने दो, रहने दो। मजहब के हाँ मजहब के अब नाम पे दंगा रहने दो, मजहब के अब नाम पे दंगा रहने दो। बहती है जो अमन की गंगा, बहने दो। क्या कहने हैं? बहती है जो अमन की गंगा, बहने दो, हाँ बहने दो। ऊंचा सबसे अपना तिरंगा रहने दो। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, शाह खाली जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कीर्तिवर्धन साहब, सत्येंद्र राय साहब आपको दुआओं से मोहब्बतों से नवाज गए। रमेश यादव जी वो भी तशरीफ हैं। रमेश यादव प्रमुख हमारे यहाँ मौजूद हैं। कि सब सबसे क्यों करते हो, क्या कहने मजहब के, हाँ मजहब के अब नाम पे दंगा रहने दो। क्या मैसेज है? वाह, गंगा बहने दो। बहती है जो अमन की गंगा, बहने दो। ऊंचा सबसे अपना तिरंगा रहने दो, ऊंचा सबसे अपना तिरंगा रहने दो, रहने दो। ऊंचा सबसे अपना तिरंगा रहने दो। भोली भाली
इस जनता की गर्दन में भोली भाली भोली भाली इस जनता की गर्दन में सीधी सादी इस जनता की गर्दन में भोली भाली इस जनता की गर्दन में भोली भाली इस जनता की गर्दन में भोली भाली इस जनता की गर्दन में मत डालो तुम झूठ का फंदा रहने दो मत डालो तुम क्या कहते हैं वाह 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 रहने दो ऊंचा सबसे अपना तिरंगा रहने दो वाह वाह बहुत शुक्रिया। एक गजल का मतलब और मतले से लेकर मक्के तक पहुंचूंगा फिर मैं उसके बाद अपनी जगह ले मैं गजल का मतलब पहुंचाता हूं बतर खास गजल बहुत ही संजीदा है लेकिन जरा सा जुड़कर सुनिएगा तो मजा आएगा इंशाल्लाह। जी स्वागत। जिसने भी होठों से लगाया जिसने भी होठों से लगाया सहबा को पैमाने को जिसने भी होठों से सहबा को पैमाने को सहबा को पैमाने को जिसने भी हो तो लगाया सहबा को पैमाने को हरगिज वो पहचान न पाया अपने को बेगाने को हरगिज वो पहचान न पाया अपने को बेगाने को हरगिज वो पहचान न पाया अपने को बे गाने को क्या कहते हैं जिसने भी होठों से लगाया पैमाने को अगर जो सामने कुर्सियां नजर आ रही हैं जिस पे लोग बैठे हुए हैं अगर वो जरा सा आगे आ जाए देखिए यहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं है ये कॉलेज का प्रोग्राम है जरा सा अगर आप आगे आ जाए जुड़ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप सुन रहे हैं पीछे वाले लोग दाद दे रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा और क्योंकि ये फासला बहुत है जरा सा अगर आप लोग आगे आ जाए तो मेरे बाद एक शायर को और आपको समाप्त करना है जरा सा आगे आ जाए तो जुड़कर सुनेंगे अच्छा लगेगा जी आप पढ़ें जिसने भी होठों से लगाया साहबा को पैमाने को तड़पा कर क्या मार डालो गे अपने दीवाने को तड़पा कर क्या मार डालो गे अपने दीवाने को तड़पा कर क्या मार डालो गे अपने दीवाने को छोड़ दो जिद भी मान लो कहना बस भी करो इतराने को छोड़ दो जिद भी मान लो कहना बस भी करो इतराने को छोड़ दो जिद भी
और एक शेर और पहुंचाता हूं बतौर खास मुलादा हूं मैं। स्वागत मोहतरम मास्टर यू वफा साहब के हवाले से ये शेर पहुंचाता हूँ मुलादा हूं कि छोड़ दो जिद भी मान लो कहना बस भी करो इतराने को कि तुझसे कि जिनको अपने शीश महल का मैंने मुहाफिज समझा था जिनको अपने। सत्येंद्र साहब मैं बहुत खुश नसीब हूँ और शायर बहुत खुश नसीब है कि आप रुके हैं। जैसे रुके हैं 15-20 मिनट और बर्दाश्त कर लें ताकि इस महफिल की शोभा में बराबर बढ़ोतरी होती रहे। जीपी पांडे से मैं निवेदन करूंगा कि उन्हें मना करके बहला करके फुसला करके जहां से उठे हैं वहीं बैठा दीजिए। कीर्तिमान सिंह बैठे हुए हैं और कीर्तिवर्धन सिंह बैठे हुए हैं। सत्येंद्र सिंह का भी बैठना बहुत जरूरी है क्योंकि जिले के उपाध्यक्ष हैं। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सत्येंद्र जी का। मैं डॉक्टर जेपी पांडे साहब नजर नहीं आ रहे। अच्छा आ रहे हैं नजर। मैं जरा सा आप लोग बैठ करके एक जरा सा छोटा सा माहौल बना देंगे 10-15 मिनट का तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पेश करता हूँ जरा सा जुड़कर सुन ले जाए। पेश करता हूँ अगला शेर मुलाजा मैं कि जिनको अपने समझा था जिनको अपने शीश महल का मैंने मुहाफिज समझा था सबसे पहले पत्थर लेकर आए बगी बरसाने को सबसे पहले। गजल पढ़ी जा रही है कविता पढ़ी जा रही है जिंदाबाद जिंदाबाद। शाह खालिद क्या क्या कविता क्या क्या पंक्ति पढ़ रहे हैं वाह वाह वाह। तड़पा कर क्या मार्ग डालो गे अपने दीवाने को जिनको अपने शीश महल का मैंने मुहाफिज समझा था सबसे पहले पत्थर लेकर आए वही बरसाने को सबसे पहले पत्थर लेकर आए वही बरसाने को के देख के तुझको तुझसे मिलकर पल भर मैंने जीली अपनी उम्र तमाम तुझसे मिलकर के तुझसे मिलकर पल भर मैंने जीली अपनी उम्र तमाम तुझसे मिलकर पल भर मैंने मौत से कह दो आ जाए तैयार हूँ मैं मर जाने को मौत से कह दो आ जाए तैयार हूँ मैं मर जाने को तुझसे मिलकर क्या कहने तुझसे मिलकर पल भर मैंने जीली अपनी उम्र तमाम।
और डॉक्टर साहब, डॉक्टर जेपी पांडे साहब, एक शेर मैं लाया था आप दोनों के लिए, इस जोड़े के लिए। अगर आपको मौका जरा सा मिल जाए इस शेर के लिए, तो भाभी के साथ आप बिल्कुल साना बसाना बैठ कर ये शेर मुलादा कर लें। ये शेर मैं आप लोगों की नजर करना चाहता हूँ, तमाम सामईन के हवाले से, शोरा हजरात के हवाले से। शेर बड़ा ही खूबसूरत पढ़ने जा रहा हूँ बतौर खास मुलादा मैं। के तुझसे मिलने कर के देख के तेरा फूल सा चेहरा उसने चमकना छोड़ दिया। क्या कहने के देख के तेरा, देख के तेरा चांद सा चेहरा उसने चमकना छोड़ दिया। किसने चमकना छोड़ दिया, अगला मिसरा बताएगा। के देख के ते चेहरा उसने चमकना छोड़ दिया। आईने के सामने तुमको क्या थी जरूरत जाने को। आईने के क्या कहते हैं बाबा बाबा, आईने के सामने तुमको क्या थी जरूरत जाने। क्या कहने हैं बाबा, आईने के मौत से कह दो आ जाए तैयार हूं मैं मर जाने को। जावेद कलीम साहब, जेके मुशारा मीडिया, आखिरी शेर बतौर खास मिलादा मैं। के तड़पा कर क्या भूल के भी कर नाना भरोसा खालिद उनकी बातों पर। कर नाना भरोसा खालिद उनकी बातों पर। भूल के भी कर नाना भरोसा खालिद उनकी बातों पर। हर भाषण में कहते हैं जो सबका साथ निभाने को। हर भाषण क्या कहने हैं बाबा, बाबा क्या बात, शाह खालिद साहब माइक पर। जी मैं जब पहली दफा खड़ा हुआ पढ़ रहा था तो मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं वाकई गजल का शायर हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मुझे गजल के हवाले से जाना चाहता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या कैसे तालियां आपसे निकलवाऊं मैं। तो मैं सलीस जबान में कुछ शेर पहुंचाना चाहता हूँ, जरा सा जुड़ कर सुनिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा ताकि जो काम रह गया है अधूरा उसको पूरा किया जा सके। एक गजल इन दोनों शायरों के लिए, शाह खालिद के लिए और शादाब के लिए। कई मर्तबा फिल्मी ऑफर आ चुके हैं गाना लिखने के लिए, लेकिन इन लोगों ने ठुकरा दिया उसे और वो समझ रहे हैं कि हिंदी उर्दू का मंच ही बेहतर है। तो फिल्मों को इन्होंने लात मारा इसलिए कि हम मुशायरे की दुनिया में बने रहेंगे, कवि सम्मेलनों में बने रहेंगे। शादाब आजमी जो पूरे हिंदुस्तान जाते हैं, शाह खालिद जो बैठे हुए हैं ये पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं। सुरताल देखिए और गजलों का मामला देखिए, जरा सा ताली बजा दीजिए, ये जान देने को तैयार है। बहुत शुक्रिया मास्टर साहब, बस इसी तरीके की तालियां चाहिए। मैं कोई तमहीद नहीं करूंगा क्योंकि जो मैं मतला पढ़ने जा रहा हूं वो खुद ही अपने आप में एक तमहीद है। मैं सारों से भी गुजारिश करूंगा मतले में शरीक हो जाए कि अपने जज्बा, तालियां बजाइए जोर से, कि अपने जज्बात, अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा। अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा, अपने जज्बात
अपने जज्बा फिको सीने में मचलते देखा, अपने जज्बा फिको सीने में मचलते देखा। अरे मैंने जब चांद खुली छत पे उतरते देखा। क्या कहते हैं बाबा बाबा कि मैंने जब चांद खुली छत पे उतर। वाह 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 वाह, शाह खाली जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या मतलब पड़ा है। मैंने जब चांद खुली छत उतरते देखा कि अपने जज्बा अपने जज्बा को सीने पे मचलते देखा, अपने जज्बा को सीने में मचलते देखा। मैंने जब चांद खुली छत पे उतरते देखा, मैंने जब चांद खुली छत पे उतरते देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और शेर बतौर खास लाला मैं के संग कहते थे जिसे सारे जमाने वाले, संग कहते थे जिसे सारे जमाने वाले। संग यानी पत्थर। अब सोचिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, पेश करता हूँ लाला मैं के संग कहते थे जिसे सारे जमाने। क्या कहने हैं? संग कहते थे जिसे सारे जमाने वाले, संग कहते थे जिसे सारे जमाने वाले। बर्फ की तरह उसे मैंने पिघलते देखा। बर्फ की तरह शायरी हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं बाबा देखा, बर्फ की तरह उसे मैंने पिघलते देखा। क्या कहते हैं बाबा, अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा। और दोस्तों एक शेर पहुंचाता हूं मैं पेश सत्येंद्र भाई के हवाले से, ये शेर हौसला बख्श, ये शेर पहुंचाता हूं बतौर खास मिलादा। मैं शेर अगर अच्छा लग जाए, उधर का मोहल्ला बहुत बेदार नजर आ रहा है और बहुत जिम्मेदारियां जिम्मेदारी अपनी निभा रहा है, मैं उधर के मोहल्ले से खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। पेश करता हूं लाला मैं कि अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा, के हो गए और भी मजबूत अजाइम मेरे। क्या कहते हैं? अगर शायरी पढ़ रहा हूँ, शेर पढ़ रहा हूँ, ये कॉलेज का मुशायरा है, कॉलेज के अंदर हो रहा है कवि सम्मेलन, आप जिम्मेदारियां निभाइएगा, ये पढ़े लिखों का मजमा है, सबूत दीजिएगा। शेर बहुत ही अच्छा पढ़ने जा रहा हूँ लाला मैं कि अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा, हो गए क्या कहने हैं, हो गए और भी मजबूत अजाइम मेरे, हो गए और भी मजबूत अजाइम मेरे। जब चरागों को हवाओं में भी चलते देखा। क्या कहते हैं बाबा बाबा, शायरी हो रही है शाह खालिद, वाह 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 वाह। क्या कहते हैं, हो गए और भी अजाइम मेरे, वाह 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 मेरे। जब चरागों को हवाओं में भी जलते देखा, जब चरागों को हवाओं में भी जलते देखा।
और बड़ा ही खूबसूरत कसीदा, बहुत ही अच्छा सुना आप लोगों ने, बहुत अच्छा सुना, बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शेर पहुंचाता हूँ अगला बतौर खास मिलादा मैं कि अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा ऐसे गिरगिट, ऐसे गिरगिट, ऐसे गिरगिट भी कहाँ रंग बदलते होंगे। क्या कहने हैं, ऐसे गिरगिट भी कहाँ रंग बदलते होंगे। बहुत शुक्रिया, समझ गए लोग कि ऐसे गिरगिट, ऐसे गिरगिट भी कहाँ रंग बदलते होंगे, ऐसे गिरगिट। क्या कहने, ऐसे गिरगिटी भी कहाँ रंग बदलते होंगे, ऐसे गिरगिटी भी कहाँ रंग बदलते होंगे, जैसे इंसान को यहाँ रंग बदलते देखा। क्या कहते हैं, बाबा 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 बाबा, रैम्बो नेशनल स्कूल में ये शेर पढ़ा गया है, मैं चाहता हूँ तालियों की बहुत तो होनी चाहिए इस वक्त ऐसी कविता पे, ऐसी पंक्ति पे। शाह खाली जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या क्या शेर पढ़े जा रहे हैं भाई, वाह 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 जिंदाबाद। सदन राय साहब भी अपनी मोहब्बतों से दुआओं से नवाज रहे हैं। जेपी पांडे साहब को मुबारकबाद, क्या शायरी पढ़ी जा रही है आपके कॉलेज में, वाह 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 वाह। ये तारीखी जेके मुशायरा मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में ये 24 घंटे बाद मुशायरा यूट्यूब के जरिए आप इस मुशायरे को सुनना चाहेंगे तो जेके मुशायरा मीडिया के जरिए आप इसको यूट्यूब पे जाके जेके मुशायरा लिखेंगे तो ये पूरी वीडियो इस कॉलेज के नाम से आ जाएगी। आप शाह खालिद को सुन सकते हैं, तमाम शुरा इकराम को सुन सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, पढ़ें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुना आपने। अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा, मैंने जब चाँद खुली छत पे उतरते देखा, ऐसे गिरगिट भी कहाँ रंग बदलते होंगे, ऐसे गिरगिट भी कहाँ रंग बदलते होंगे, ऐसे गिरगिट भी कहाँ रंग बदलते होंगे, जैसे इंसान को यहाँ रंग बदलते देखा, जैसे इंसान को यहाँ रंग बदलते देखा, अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा। जैसे बदले एक गजल का शेर हो गया है, बतौर खास स्वागत स्वागत के, जैसे बदले कहीं चांद छुपा बैठा। क्या कहने हैं, जैसे बदली में कहीं चांद छुपा बैठा है, जैसे बदली में कहीं चांद छुपा बैठा हो, जैसे बदली में कहीं चांद छुपा बैठा हो, जैसे बदली में कहीं चांद छुपा बैठा हो, जब तेरी जुल्फ को शानों पे बिखरते देखा, जब तेरी जुल्फ को शानों पे बिखरते देखा। क्या कहते हैं, जिंदाबाद इश्क की राह कठिन होती बहुत है खालिद। क्या कहने हैं, इश्क की राह कठिन होती बहुत है खालिद, के इश्क की राह कठिन होती बहुत है खालिद, इश्क की राह। क्या कहने,
इश्क की राह कठिन हो ती बहुत है खालिदे, फिर भी हर शख्स को इस राह पे चलते देखा। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, इस राह पे चलते देखा। मैंने जब चांद खुली छत पे उतरते देखा। क्या कहने हैं, वाह वाह, आप इशारा कर दीजिएगा। अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा। क्या कहें, नौजवानों की तादाद ज्यादा है लेकिन भूतपूर्व नौजवान भी कम नहीं है। मैं सबको शरीक करता हूँ। जामाई साहब, एक गजल का मतलब सुने, स्वागत। अंबर भाई किधर गए? अंबर भाई बिहारी लाल अंबर साहब कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो डाइस तक डाइस पे बैठे। पेश करता हम लाला, मैं स्वागत। मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह। क्या कहते हैं दोस्तों, यकीन जानता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह। अपने पास मटेरियल इतना है कि मैं पूरी रात भी अगर सुनाऊं तो खत्म नहीं होगा। पूरी रात क्या, दो चार रात भी सुनाऊंगा तो खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या सुनने वाला अच्छी है मुझे। अगर सुनने वाले अच्छे हो और अच्छा सुन रहे हो तो अपने अंदर भी हौसला होता है कि ये सुना दूं, एक से बढ़कर एक सुनाने की कोशिश करता है शायद। बहुत अच्छा सुना, फिर भी आप लोगों ने बहुत नवाजा अपने ऐसे माहौल में। पेश करता हूँ, वही अंदाज में सुनिएगा कि मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह। मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह। मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह। मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह। मैं भटकता हूँ, मैं भटकता हूँ, मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह। अपनी आंखों में बसा ले मुझे काजल की तरह। अपनी आंखों में बसा ले मुझे काजल की तरह। मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह। अपनी आंखों में बसा ले मुझे काजल की तरह। कैसे दीदार करो रुख से हटा ले जुल्फे। क्या कह रहे हैं, कैसे दीदार करो, कैसे दीदार करो रुख से हटा ले जुल्फे। ये जो रुख सा रिप लगेरा ती है बादल की तरह। ये जो रुख सारे पे लहराती है बादल की तरह। मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह। मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह। अपनी आंखों में बसा ले मुझे काजल की तरह। अपनी आंखों में बसा ले मुझे काजल की तरह। बहुत आए सावन का महीना तो गजल होती है। आए सावन का महीना तो गजल होती है। पास बैठी हो हसीना तो गजल होती है। नीले आंखों के समंदर में धड़कते दिल का डूब नीले आंखों के समंदर में धड़कते दिल का डूब जाता है सफीना तो गजल होती है। काम करते हुए मजदूर की पेशानी से जब टपकता है पसीना तो गजल होती है। आइए गजल के कई रंग कई पहलू आपको शाह खालिद ने